आप सबको हमारी तरफ से जय एम सी की। मेरा नाम सुखवीर है और जो मेरी वाइफ है ज्योति, हम आपके साथ अपनी लाइफ की, हमारे जीवन की एक गवाही शेयर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी लाइफ में प्रभु ने बरकत दी है, हमारी लाइफ में प्रभु के आत्मा ने काम किया है, हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं खुदा के आगे आपकी लाइफ में भी इस गवाही के द्वारा बहुत सारी बरकतें आएँ। मेरी गवाही इस तरह है, आज से कुछ समय पहले मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत परेशानी मेरी लाइफ में आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा, कहीं भी मेरा मन नहीं था लगता, ऐसे मन कर रहा था कि ये मैं सुसाइड कर लूँ, बहुत डिस्टर्ब हुआ था अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में कुछ समय पहले बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत मैं डिप्रेशन और टेंशन में चला गया था। मेरी टांग जो थी वो एक इंसिडेंट की वजह से प्रॉब्लम में ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, एक स्टिक का सहारा मुझे लेना पड़ता था और एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी मुझे किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। कि मेरे जो डैड थे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, हफ्ते में 1-3 बार तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, जिसकी वजह से वो परेशानी में जाते थे, हमारी पूरी फैमिली परेशानी में चली गई थी, फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा था और गरीबी में जा रहे थे। उसके बाद हमें किसी ने रमन हंस मिनिस्ट्री के बारे में बताया और हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ पर जाकर देखा, बहुत अच्छी वर्शिप हो रही है, खुदा के दास प्रचार कर रहे हैं, खुदा का संदेश सुना रहे हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली। वहाँ पर वर्शिप सुनकर, प्रभु का वचन सुनकर बहुत ही मन और दिल को शांति मिली, जिसकी वजह से खुदा के आत्मा ने हमें वहाँ पर छुआ और एक नई उम्मीद की किरण हमारी लाइफ में जागी। हमें उम्मीद हुई, उम्मीद जागी हमारी लाइफ में कि हमारा जहाँ पे आकर कुछ बन सकता है, हमारी बरकतें जो रुकी हुई वो खुल सकती हैं, एक नया रास्ता, एक नई ज़िंदगी हमें वहाँ पर जाकर मिली। और जिसकी वजह से जो मेरे पापा थे वह अब हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, वहाँ चर्च में जाने के मिनिस्ट्री में जाने के वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गए। जहाँ उनको एडमिट करवाना पड़ता था, अब उनको एडमिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पास्टर रमन हंस ने उनके लिए प्रार्थना की और वो मेरे डैड थे जो एडमिट रहते थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, उस बीमारी से उनको आज़ादी मिली। मेरे डैड की बीमारी यही थी कि उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, उनकी जो डायबिटीज़ थी उनको, उनका जो लेवल था, बैलेंस था, वो सही नहीं था रहता, इसलिए उनको एडमिट करवाना पड़ता था। जो जब हम चर्च गए, वहाँ पर रमन हंस मिनिस्ट्री में गए, वहाँ पर उनके लिए प्रेयर हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गए, इस बीमारी से उनको, इस समस्या से उनको छुटकारा मिला। और जब हम रमन हंस मिनिस्ट्री में गए, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गवाही हो रही थी, बहुत बड़े बड़े मिरेकल हो रहे थे, एक तो लोग ऑनलाइन देखकर ठीक हो रहे थे और वहीं चर्च में भी खड़े खड़े लोग बहुत बड़े बड़े बीमारियों से आज़ादी उनको मिल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ वहाँ पे बन रही थी, जिसकी वजह से हमारा विश्वास जागा और प्रभु के आत्मा ने विश्वास के द्वारा हमारी लाइफ में एक मिरेकल किया और हमारे घर में जो गरीबी थी वो दूर हुई और जो टेंशन रहती थी घर में, सभी मेंबर्स डिप्रेशन में रहते थे, वो सभी डिप्रेशन से बाहर निकले, खुदा ने उनको बाहर निकाला। और जब हमने देखा कि हमारी लाइफ में एक प्रभु ने चमत्कार किया, मेरे डैड को उन्होंने ठीक किया है, जो जिस बीमारी से पीड़ित थे उनको ठीक किया है, और मेरी लाइफ में भी, मेरे दिल में भी एक उम्मीद की किरण जागी, मेरे डैड ठीक हुए, जब मैंने अपनी फैमिली में एक परिवर्तन देखा, एक खुशी को देखा, एक उम्मीद को देखा, एक परिवर्तन को देखा, जो बरकतें रुकी हुई थी वो खुली हैं, खुशी आई हैं घर में, मेरे डैड जो बीमार रहते थे वो ठीक हुए हैं, मेरे मन और दिल में भी एक उम्मीद जागी, एक विश्वास जागा। जिस समस्या में मैं हूँ, जिस डिप्रेशन में मैं हूँ, जिस टेंशन में मैं हूँ, अगर मेरी फैमिली उस टेंशन से निकली है तो मैं भी निकल सकता हूँ। जब मैंने अपनी फैमिली में परिवर्तन देखा, वो मेरा डिप्रेशन भी दूर होने लगा, मैं प्रेयर करने लगा, वचन पढ़ने लगा, ऑनलाइन वर्शिप सॉन्ग सुनने, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में परिवर्तन आने लगा। और मैंने वचन पढ़ा, जब मैं वचन पढ़ता था और मैंने वचन में पढ़ा, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। और वो उस वचन ने मेरे दिल में जगह की, जब भी मैं प्रेयर करता था, खुदा के आगे बैठता था, उस वचन को मैं खुदा के आगे जरूर लेकर आता था कि प्रभु तूने ये कहा है और मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर छोड़ देता हूँ। जो अपनी बॉडी को लेकर मैं डिप्रेशन में रहता था और वो डिप्रेशन से मैं बाहर आने लगा और वो मैं टेंशन से मैं बाहर आने लगा, एक नई उम्मीद मुझे दिखाई देने लगी। और इसके बाद मैं रेगुलर कंटिन्यूसली चर्च जाने लगा और वहाँ पर मेरा बहुत मन लगने लगा, बहुत वहाँ पर जाकर रमन हंस मिनिस्ट्री में जाकर बहुत मुझे शांति मिलती, बहुत मैं विश्वास में मजबूत होने लगा। अपोस्टल रमन हंस जी के वचन सुनाने के द्वारा मैं बहुत ज़्यादा विश्वास में मजबूत होने लगा। वहाँ पे जो लड़के थे वो सेवा करते थे, मेरे मन में भी एक इच्छा पैदा हुई
कि मैं भी जहाँ चर्च में कोई ना कोई सेवा जरूर लूँ। और हमारे यहाँ पे संडे से पहले शनिवार को एक यूथ मीटिंग हुआ करती थी, वहाँ पे जो चर्च के ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं वो वहाँ पे आया करते थे, अपनी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात किया करते थे। वहाँ पे वो यूथ मीटिंग में जाने वहाँ पे यूथ मीटिंग में जाने का मुझे मौका मिला और मैं वो रेगुलर यूथ मीटिंग अटेंड करता रहा, जिसकी वजह से मुझे चर्च में रमन हंस मिनिस्ट्री में शूज़ की सेवा मिली, जोड़ों की सेवा मिली। और मैं जोड़ों के वहाँ पे टोकन देता था, टोकन देने के साथ साथ लोगों के जोड़ों को साफ भी करता था मैं। चर्च में काफ़ी टाइम सेवा करने के बाद मैं बिल्कुल अपना डिप्रेशन भूल गया था, टेंशन बिल्कुल भूल गया था, अपनी बॉडी की टेंशन, फैमिली की टेंशन, हर एक चीज़ की टेंशन जो भी मेरी लाइफ में थी मैं बिल्कुल भूल चुका था। अपनी लाइफ में बिल्कुल मैं खुश था, प्रभु में मस्त था, जो भी काम करता था मैं प्रभु में करता था, सेवा चर्च में सेवा करता रहता था। वहाँ पर काफ़ी समय सेवा करने के बाद हमारे चर्च की जो वर्शिप टीम है वो जब तैयार होकर स्टेज पर आती थी, गाते थे बजाते थे, बहुत मज़ा आता था सुनकर, बहुत शांति मिलती थी। ब्रदर शमी हंस जब गाते थे बहुत उनके वर्शिप सॉन्ग सुनकर बरकत मिलती थी, दिल और मन को शांति मिलती थी, खुदा का आत्मा उनके वर्शिप सॉन्ग्स के द्वारा मुझे छूता था। और मेरा मन करता था जब क्वेर के जो ब्रदर सिस्टर हैं उन जब वो तैयार होकर आते थे उनको देखकर मेरा मन भी करता था कि मैं प्रभु के लिए कुछ गाऊं, कुछ बजाऊं। और मन में ये मेरे ख्याल जागा कि प्रभु के लिए मैं कुछ और आगे बढ़कर करूं। मैंने उसे प्रार्थना में रखा। प्रार्थना में रखने के बाद कुछ समय बाद ही खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, पोस्टर रमन हंस के द्वारा खुदा के आत्मा ने उनके मन और दिल में डाला। और हमारे चर्च में एक मुझे गुड न्यूज़ मिली, जो मैं चाहता था, प्रभु खुदा के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहता था, वो गुड न्यूज़ मिली। हमारे चर्च में म्यूज़िक क्लासेस एक महीने के लिए शुरू हुई, हर इंस्ट्रूमेंट सिखाने की सुविधा उपलब्ध हुई खुदा के आत्मा के द्वारा। और जो मैं इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता था, मैं खुदा के लिए गिटार बजाना चाहता था, मैं चाहता था कि खुदा की मैं वर्शिप करूं इस गिटार के द्वारा। और मुझे मौका मिला चर्च में गिटार सीखने का, मैंने पूरी लगन के साथ गिटार को सीखा पोस्टर रमन हंस जी के द्वारा। मैंने उनके द्वारा बहुत कुछ गिटार का सीखा, म्यूज़िक का सीखा, उनके द्वारा म्यूज़िक का सीखा मैंने। जब मैं गिटार सीख रहा था मैं खुदा के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, मैं अकलबुद्ध समझ मांगता था। और अपोस्टल रमन हंस जी के द्वारा एक प्रोफेसी हुई मुझ पर, मुझे खुदा के आत्मा ने बताया है कि तुझे प्रभु अपनी वर्शिप के लिए, अपने कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करने जा रहा है, अगर तू मेहनत करेगा तभी। और मैंने उस बात को अपने दिल में रखा और मैं आगे बढ़ता रहा। और जब जोड़ों की मैं सेवा करता था उस वक्त मुझे एक ड्रीम आया कि मैं अपने चर्च में गिटार बजा रहा हूँ और बहुत संगत वहाँ पर जुड़ी हुई है, बहुत संगत चर्च में बैठी हुई है। उस ड्रीम के बाद पोस्टर रमन हंस जी ने मुझ पर प्रोफेसी की कि तू इस चर्च का बेस्ट गिटारिस्ट बनने जा रहा है। उसके एक महीने बाद ही मैं स्टेज के ऊपर बैठ गया और खुदा की वर्शिप करने लगा। एक बड़ा मिरेकल, एक महीना बहुत कम होता है कुछ सीखने के लिए, और खुदा के आत्मा ने मुझे गाइड किया, एक अच्छा गिटारिस्ट खुदा ने मुझे बनाया। और मैं अब अपने चर्च में ब्रदर शमी हंस जी के साथ, पोस्टर रमन हंस जी के साथ, हमारी मिनिस्ट्री के साथ वहाँ पे मैं गिटार प्ले करता हूँ। अब सब जानते हैं कि रमन हंस मिनिस्ट्री एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे लोग जहाँ पे चंगाई पाते हैं, ब्लेसिंग को पाते हैं। और यहाँ पे सेवा करना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, और खुदा ने वो मेरा ड्रीम पूरा किया। एवरी संडे गिटार प्ले करता हूँ ब्रदर शमी हंस जी के साथ, पोस्टर रमन हंस जी के साथ। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुदा ने जैसे मेरी लाइफ में मिरेकल किए हैं, आपकी लाइफ में भी मिरेकल हो। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी वाइफ का मेरी लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, मुझे लोग बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकता। लोग मुझको देखकर मुँह फेर लेते थे, कोई मेरा साथ नहीं था देता, कोई मेरे साथ नहीं था खड़ता। खुदा ने मेरी लाइफ में एक मिरेकल किया। खुदा के आगे मैं रेगुलर प्रेयर करता रहा और अपने लाइफ पार्टनर को खुदा के आगे रखता था। अपनी जो मेरी दिल की बातें थी मैं खुदा के आगे रखता था। मैं खुदा को बोलता था कि प्रभु मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो तुझसे डरता हो, तेरे वचन पर चलता हो, तेरे आगे घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता हो। तुझसे डरने वाला मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए खुदाबंद। मैं से प्रभु के आगे प्रार्थना करता था। कुछ ही समय बाद प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी वाइफ के घर किसी ने मेरे रिश्ते की बात की। उन्होंने बताया कि एक लड़का है वो रमन हंस मिनिस्ट्री में गिटार प्ले करता है। हमारी दोनों फैमिली मिले, एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे से मिले, और मैंने अपनी वाइफ को जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो मैंने इनको बता दी। और इन्होंने भी कोई डिमांड नहीं रखी मेरे आगे, खुदा को उस जगह पर हाजिर नाजर मानकर खुदा के डर के हेठ मुझे एक्सेप्ट किया। जैसा भी था मैं, इन्होंने खुदा के द्वारा
मुझे एक्सेप्ट किया, हमारी शादी हुई। हमारी शादी बहुत ब्लेस थी और खुदा ने इस शादी को बहुत ब्लेस किया। हमारी फैमिली को इस शादी के द्वारा बहुत ब्लेसिंग मिली और बहुत लोगों के सामने ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। जैसे खुदा ने प्यार करना सिखाया, हम दोनों एक दूसरे से ऐसा प्यार करते हैं। और मेरी वाइफ मेरा बहुत ध्यान रखती है और हम इकट्ठे चर्च जाते हैं, इकट्ठे वचन पढ़ते हैं, इकट्ठे प्रेयर करते हैं और इकट्ठे हम खुदा के डर में रहते हैं। मुझे सुनने और देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रमन हंस मिनिस्ट्री में जाने के बाद मुझे खुदा ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। जैसे मुझे प्रभु ने रमन हंस मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस किया, अगर आप भी ब्लेसिंग लेना चाहते हो, आप भी बरकत खुदा से पाना चाहते हो, तो आप प्रभु के साथ रमन हंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, प्रेयर करवाते रहें।